आप सब दे परिवारां दे लई मंगलमय होए। अज जिस विषय नूं लैके जिस मुद्दे नूं लैके असी ये प्रेस वार्ता बुलाई है वो पूरे पंजाब दे लई अज चिंता दा विषय है। अज पंजाब दे अंदर कानून व्यवस्था हर पंजाबी लई उहदी अपनी सुरक्षा परिवार की सुरक्षा चिंता का कारण बनी हुई है। जद दी ये सरकार आई है पंजाब दे अंदर कानून का नहीं गैंगस्टर राज चल रहा। और हुण तां इंसीडेंट गिराउण दे लई भी ना लंबा समय चाहिए। जुगराल दे अंदर शरिया पर एक दिन पहला गोली चल जाती है, हत्यावां दा दौर रुक नहीं रहा और पंजाब डर दे साए दे अंदर पंजाबी जीवन जी रहा, भय दा वातावरण। ये सरकार प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह दे नाल ए इंसीडेंट रोकन च फेल हो रहा है। पॉलिटिकल लोग होन, इंडस्ट्री दे लोग होन जा सिरकट में बाकी लोग ने, कोई भी प्रोफेशन चूका नहीं है जिन्हों टेलीफोन नहीं आ रहे फरोती दे। एदे नाल नाल भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकर्ता, वैसे ते कोई हर जिला है जिथे किसे ना किसे कार्यकर्ता नूं रोज टेलीफोन आ रहा, धमकी दित्ती जा रही है। लेकिन जलंधर अपने 10 नेता ऐसे ने जिन्हां नूं लगातार टेलीफोन आ रहा। और पुलिस जड़ी कि जिदे जुम्मे है सुरक्षा देना, सरकार दे जुम्मे मुढ़ला काम हुंदा सुरक्षा देना, सीपी दा वतीरा इस तरीके दा उत्थों दा कि खुद टाइम दिंदा है डेपुटेशन नूं लेकिन खुद मिलदा नहीं है। एक गल समझ लेना, मैं ये तुहाडी जानकारी च लिआंदा, मेरा मतलब यह नहीं है कि बीजेपी कितें डर रही है ना धमकियां तों। असी वो लोग हां जिन्हां दी परिवरिश ऐसे वातावरण च होई है जिहड़ा संघर्ष करना जानदा। असी आतंक दे दौर दे अंदर भी बलिदान दिता पर पंजाब दे एके नूं पंजाब दे भाईचारे नूं चोट नहीं लगन दित्ती। लेकिन प्रशासन कोल नंबर जांदे ने, मैं ना इस करके नहीं रहना चाह रहा कि किहड़े किहड़े कार्यकर्ता तुहाडे लुधियाणा चों साडे मीडिया दे प्रमुख नूं फोन आंदे ने, रोज फोन आ रहे ने एवरीडे। जलंधर के अंदर पार्टी के सिरकट में 10 नेतावां नूं हुण तक फोन आए ने और वो सीपी कोल जाके अपनी कंप्लेन देना चाहते ने और किते भी उहदे कोई रिस्पोंस नहीं है। मतलब जानकारी दी जाती है कि भाई ये नंबर ने साइबर क्राइम के अंदर उन्होंने भेजा, उन्होंने धमकियों का की किया, जां सरकार हथ खड़ी कर दे। मैनूं ये दसो, मैं सरकार की नीयत से शक क्यों ना करा? मेरा कितने सरकार की मिली भगत नाल ते नहीं है सब कुछ हो रहा? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर भय और डर, बीजेपी की बद्दी का ताकत तो डरी हुई है सरकार कितने कार्यकर्ता च भय पैदा करने लिए ये सब नहीं करवा रही? क्योंकि पुलिस निष्क्रिय है, सरकार निष्क्रिय है, सरकार दोषियों नूं फंडा नहीं चाह रही। इस करके अज तुहानूं सारिआं नूं असीं कष्ट दित्ता। मेरी शंका नूं ताकत इस करके भी मिलती है कि पंजाब नूं तोड़न वालियां ताकतां जिहड़ियां विदेश च बैठी हैं, पन्नू
हुण ये मुख्यमंत्री जी दे घर दे बाहर जां दूसरी जगह वो शैल मिले मम दे, उस तो बाद वो मीडिया दे सामने आंदे ने कनाडा तो, वो कहंदे ने कि ये असी करवा रहे हैं। क्या मान सरकार एक भी शब्द ओदा कोई भी प्रवक्ता कोई भी मंत्री वो डिनाई नहीं करता कि पन्नू जदों ये कहंदे है कि ये सरकार बनाण दे लई असी तुहाडा सहयोग कीता फंडिंग कीती हुण साडा एजेंडा लागू करो, किते ये सरकार वक्खवाद फैलाण वालियां दा एजेंडा ते नहीं अगे वधारी, क्योंकि एक भी शब्द मुख्यमंत्री जी ने डिनाई नहीं किया। पन्नू दी चिट्ठी दे नाल इन्हां दा की रिलेशन है एक बार फिर तुहाडे माध्यम नाल मैं पुछदा, पन्नू नूं लैके वक्खवादी सोच नूं लैके ये सरकार की सोचती है ये सरकार नूं स्पष्ट करना चाहिए। जे तक बीजेपी नूं डराण दीआं जिहड़े फोन आ रहे ने और सरकार निष्क्रिय ने, जाग जाए सरकार, डराण नाल भय नाल बीजेपी डरन वाली नहीं है, लेकिन पंजाब दे हित लई पंजाब दे लोकां दे लई अगर सड़कां ते आना जो पिया, मैं डीजीपी नूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे माध्यम नाल ये कहना चाहना कि जरा अपने सीपी नाल गल करके तो देखो, जलंधर टारगेट बने हुआ है, जलंधर च बदमाशी वध गई है, जलंधर दे अंदर गुंडा तत्व जड़े हो सक्रिय ने, क्या पुलिस ते शक करन दे कारण नहीं है? इस करके जाग जाओ, ये ना होए कि पंजाब दे अंदर इस सरकार दा कानून व्यवस्था नूं लैके जो चेहरा है वो जड़ी निराशा लोकां दी है कितें उह सड़कां ते ना आ जाए। बाकी तुसी कुछ पूछना पूछो, मेरा मेन मुद्दा है। चलिए कौन एक गल समझ लेना, मेनू अपनी ना कदी चिंता रही है, मेरा 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 सवाल सुन लो, मेनू पंजाब दी चिंता है, पंजाब दे लोकां दी चिंता है, पंजाब दे व्यापारी दी चिंता है, नहीं मैनू कोई आएगी तो पहले दस दूंगा, मैनू कोई आई नहीं, नहीं मैं ऐसा है काफी मैं नहीं कहता कि मैं उन्हें कहूंगा कि भेज दो, अरे नहीं मैं ऐसा नहीं है, मेरा केवल इतना कहना है जड़ा पंजाब के अंदर जो वातावरण बनया है जिस प्रकार मेरे कार्यकर्ताओं मेरे नेतावान पंजाबियों इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर नहीं बख्शे जा रहे, सिर को कड़मे कोई भी बंदा बचिया नहीं है, अद्धे लोग तो पुलिस को डरते मारे दस नहीं जाते, हालत यह है कि साड़ा एक कार्यकर्ता धमकी दे कंप्लेन करन लई जलंधर जांदा पुलिस को, पुलिस स्टेशन तो बाहर निकलता उन्हें मैसेज आता है तू पुलिस के खिलाफ बोलेगा ना तो फिर तेन सोता जाएगा, हालत समझ लो ना, गंभीरता समझो इस गल की, इस करके लग रहा है कि कितने जुड़े हुए मामला तो नहीं है, सरकार के शहर के उत्ते तो नहीं है, सब कुछ कराया जा रहा ते इस गल निपटन दे लई पार्टी एक तीन मैंबरी कमेटी बनाने जा रही है, इकला गरीब कल्याण योजना का मामला ही नहीं है, हर व्यक्ति नूं घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ लैन च ये सरकार पिछड़ी हुई है, और जिहड़ियां सुविधावां केंद्र तो मिलनियां चाहीदियां उहदे लिए फॉर्मेलिटीज पूरियां नहीं करते, इस करके असी वो तीन मैंबरी कमेटी बनाई बना रहे हैं जिहड़ी केंद्र दी योजना का लाभ पंजाबी तक पुजे उहदे लिए वो पुल का काम करेगी और जिहड़ियां उहनां नूं ओकड़ां विच आंदियां हैं उन्हें दूर करेगी। नहीं स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल आयुष्मान कार्ड जरा पंजाब से नहीं चल रहा, लोग बड़े सिम लेके ट्राई ट्राई हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बन जरूर गए ने पर ओदा सही ओदी कुछ नहीं मिलती। नहीं लोग त्राई माम कर रहे ने, मोदी साहब ने तो पूरे देश च लागू करता,
मेरे नाल लगदे सूबे हिमाचल च जे एंड के च पूरी तरह नाल लोकां नूं सहूलत मिलती है, पंजाब सरकार अपना हिस्सा क्यों नहीं पाती? केंद्र तो अपना हिस्सा दिंदा है, पंजाब दे अंदर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? यह मान साहब की नलैकी है, सरकार की नलैकी है। एक पासे जनहित दीआं गल्लां करदे ने, दूजे पासे जनता की मुढ़ली जरूरत जिहड़ी है कि वह सेहतमंद रहे, आयुष्मान योजना वर्गे कार्ड नूं रोक के बैठे ने, उहनूं लागू नहीं कर रहे। इहदे तों ही पता चलदा कि यह सरकार सेहत के मामले च किन्नी कु गंभीर है। एक पासे कहिंदे ने कि महल्ला क्लीनिक खोलांगे, दूजे पासे आयुष्मान कार्ड नूं बंद करदे ने। इहदे तों नहीं लगता कि यह केवल दोहरे चरित्र दे नाल काम करन वाले लोग ने। सर, पंजाब सरकार दा कर्जे च डुबी हुई है, वो कितना अपना हिस्सा दे सकती है? सर, पहला कर्जा उतारूगी या अपना हिस्सा दोगी? ऐसा है कि पहला चलदा पिया सी ना आयुष्मान कार्ड, ऐदा करना ये वो लोग ने केजरीवाल कहंदे सी माइनिंग तो इन्ना आ जाएगा, 50,000 करोड़ रुपया माइनिंग तो आ जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, 20% उत्थों आ जाएगा, फलाना कट उत्थों आ जाएगा। मेरे को पैसा ही पैसा है। अज कित्थे है केजरीवाल साहब? लोगों की आयुष्मान योजना तो दूर करता। दूजा गल सुनो, ये सारिया चीजा लोगों के लिए हो अपना एडवरटाइजमेंट का खर्चा तो बंद कर दे, ढंडोरा पिटना से बंद कर दे। ये दस दें कि गुजरात के चुनाव के अंदर पंजाब के कितने पैसे का दुरुपयोग इन्होंने एडवरटाइजमेंट के माध्यम नाल किया। अच्छा गल सुनो, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई काम स्टेट च करती है, उसकी एडवरटाइजमेंट उसकी स्टेट च रहनी चाहिए। उसके लिए बंगाली च भी हो जाए, पंजाबी च भी हो जाए, गुजराती च भी हो जाए, पूरे देश च हो जाए, इतों नीयत नहीं पता लगती। वह जो पैसा बर्बाद इन्होंने किया है, वह जवाब कौन देगा? ऐसा कि साढ़े जोड़े जोड़े साढ़े लीगल सैल के लोग ने उस सारे विषय में देख रहे हैं। आई टी के माध्यम नाल भी असी बहुत सारिया जानकारियां जिहड़ियां प्राप्त कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा। कोई बंदा अपना पैसा कितने लगाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा कितने लगाएगा जितों उन्हें सुरक्षित होएगा, जितों उहदी उन्हें अपनी जान की हानि का खतरा नहीं होएगा, जिते उन्हें फरौतियां नहीं देनिया पैणगियां। ये सारे मुढ़ली गल ये है कि जब तक सुरक्षा के मामले के अंदर यह सरकार सक्रिय नहीं होती, इंडस्ट्री प्लान करेगी करेगी। अच्छा मैनू लगता अजे नगर निगम का चुनाव आ रहा है और नगर निगम के चुनाव नू लेके पार्टी पूरी तरह संजीदगी है पार्टी च। पार्टी ने उहदे लई इंचार्ज सब कुछ बनाया होया है और उस ते काम कर रहे ने। लेकिन ये सरकार चुनाव तो भी भजदी हुई नजर आई है, क्योंकि पहला लग रहा सी जनवरी च होएगा, फरवरी च होएगा, मैं लगता है थोड़ा होर अगे जाएंगे। लगता है कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा के विच नगर निगम का चुनाव हो पाएगा सही तरीके से? तुम्हें लगता है कि अर्धसैनिक बल लगाने चाहिए केंद्र में? नहीं, मैनू ये लगता है कि स्टेट मेरी कोशिश ये है, मेरी पार्टी की कोशिश ये है कि पंजाब पुलिस की बहादुरी के उत्ते कोई किसी को नहीं है, पंजाब पुलिस के शौर्य के उत्ते भी किसी को कोई शंका नहीं है। लेकिन जिन्हां दे हाथ डोर है, जिहड़े सरकार चला रहे ने, होम मिनिस्टर खुद, होम मिनिस्ट्री खुद मुख्यमंत्री जी कोल है, वह की कर रहे ने? जैसा राजा होंदा वैसा थले अफसर एक्ट करते ने। हुण इह पुलिस इह शौर्य पुलिस के शौर्य के उत्ते कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन क्या पुलिस नूं वह अधिकार है? चुनाव योग ना विधानसभा और केंद्र जो लोग सभा होंगी ना उदो राष्ट्रीय चुनाव योग जड़ा कंट्रोल रहा और उदो बड़ी चीजा सुधरी होंगे। ये स्टेट का चुनाव योग रहा ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੇਟ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਰੁਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਐਤਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁ
ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ जुमे लोग ने सौंपिया साडे जुमे है जनतक मुद्दों नूं उभारना और सरकार नूं मजबूर करना कि जिहड़ी कमिटमेंट सरकार ने की है उन्हूं फुलफिल करे और बहुत सारिया चीज़ों के अनेक कारण ने कि बच्चे बाहर जाना चाह क्यों जा रहे हैं वो सब तो वड्डा कारण सुरक्षा है अजकल एक ही न्याणा अजकल पुराना हिसाब तब नहीं है एक न्याणा है वह जल्द ग्यारहवीं बारहवीं तो हों माता पिता सोचते हैं कि यार इतने तो पता नहीं कि होना कि नशे जी ना डुब जाए न्याणा क्योंकि नशा पंजाब नूं खोर रहा है पंजाब की जवानी नूं खोरा ला रहा है और उहदे कारण मापे रस्ता की लभदे ने सेफ रस्ता लभदे ने कि नहीं यार मैं पंजाब चो कड़ा ये माहौल जड़ा इत्थे जीवन नू खतरा है ये सारिया चीजा मेन काम कर रहे हैं सर एक चीज सर समझ आ रही है कि एक पासे तुसी कह रहे पंजाब पुलिस दा शोर है मैं कर तारीफ कर रहे हो दूजे पासे लॉ एंड ऑर्डर उत्ते उनां सवाल खड़े कर रहे हो ये इस तरीके नाल सर ये ऐसा है मैं कोई डबल पर नहीं बोल रहा मैं सीधा बोल रहा कि पुलिस जड़ी है सरकार ने निष्क्रिय कीती हुई है आर्डर तो होम मिनिस्ट्री ने देने ना उन्होंने ने मैं पुलिस के व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से पुलिस ये वही पुलिस है जिन आतंकवाद का मुकाबला किया इनू हाथ तो खुले दो ना इनू आर्डर की ने मैं तो कह रहा मैं सरकार से इल्जाम लगा रहा कि यह जो भय का वातावरण पैदा कर रही है कि सरकार तो नहीं रली हुई मैं सरकार के वतीरे के कारण मैं जो टैलीफोन आ रहे हैं वो उत्ते गल कर रहे हैं कि एक डर का वातावरण है इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है लोगों को फोन आ रहे हैं पुलिस को मिलन जाया जाता है पुलिस का वतीरा गड़बड़ वाला है वो कोई कार्रवाई नहीं पुलिस कर रही इस बिंदु से है धन्यवाद।